दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं। तो वो इनकम टैक्स के रूल्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो किस हेड ऑफ इनकम के अंदर इसको कंसीडर किया जाएगा, इसके ऊपर टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होगा, टैक्स रिजीम को लेकर क्या रूल्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कब मेंटेन ज़रूरी हो जाते हैं करने, टैक्स ऑडिट करवाना कब ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं अभी आपका जो है ITR जो है फाइलिंग वो जारी है, तो आपको इसके लिए ITR 3 भरनी चाहिए या किस सिचुएशन में आप ITR 4 फाइल करेंगे। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से तो उसके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के क्या रूल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम अपनी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनकम हेड के बारे में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर बहुत सारे लोगों को हमेशा एक कन्फ्यूज़न ये बना रहता है कि ये इनकम हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो मानी जाती है, बट इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं माना जाता है, इसको एक नॉर्मल बिजनेस की इनकम जो है उसको माना जाता है, जिसको कि आप बोलते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है जैसे कि आप एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई किराने की आपकी शॉप है, कोई मेडिकल आपका स्टोर है या कोई आपकी और शॉप है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, तो उसी बिजनेस की तरह भी इसको माना जाता है, तो इसको नॉर्मल बिजनेस हम बोलते हैं। तो इसकी जो इनकम काउंट होती है वो अंडर द हेड PGBP होती है, मींस प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये आप ध्यान रखिए, इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना मानकर बिजनेस इनकम जो है माना जाता है, और बिजनेस इनकम में भी इसको नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है, ना कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, क्योंकि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है वो इंट्राडे को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है, ये नॉर्मल बिजनेस की इनकम के अंदर ही काउंट होती है, तो इसको हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये मेरी इनकम हेड की बात हुई। अगर हम टैक्स रेट की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बोलते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर स्पेशल रेट नहीं लगता है, जैसे वहाँ पर 15% और 10% लगता है। तो यहाँ पर ये आपकी जो इनकम होती है, आपकी ये जो अदर्स इनकम होती है उसके अंदर ऐड हो जाती है, जैसे अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, तो उस इनकम के अंदर ऐड हो जाती है, और आपका जो भी टैक्स स्लैब आप चूज़ करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाएँ या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाएँ, तो वो टैक्स रिजीम इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो जैसे नॉर्मली आपको सभी डिडक्शन मिलती हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक, और आपकी इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है तो आप रिबेट क्लेम कर लेते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं, क्योंकि इसको भी नॉर्मल इनकम की तरह ही माना जाता है और टैक्स स्लैब इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये जो टैक्स स्लैब है ये इंडिविजुअल और HUF के केस में होता है, अगर फर्म और LLP है तो वहाँ पर 30% टैक्स लग जाता है, कंपनी के केस में जो है दोस्तों 22% भी लगता है, 25% भी लगता है, 30% भी लगता है, तो इसकी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो ये मेरी हुई टैक्स रेट की बात। तो अभी एक एडवांस टैक्स की बात भी कर लेते हैं। तो क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविज़न है, अगर आपकी पूरे साल की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है अगर वो 10,000 से ज़्यादा की होती है, तो उस केस में फिर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी की जो है लायबिलिटी है वो अराइज हो जाती है, और आपको उस केस में क्वार्टरली बेसिस पर एडवांस टैक्स जो है पे करना पड़ता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी ऐसा ही है, आपकी जब टोटल इनकम मिला के फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम के साथ साथ सारी इनकम जब आप ऐड कर लेते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा की है, तो आपको क्वार्टरली बेसिस पर एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, फिर आपका जब आप ITR को फाइल करते हैं तो वहाँ पर 234B और 234C का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, तो इसलिए आपको वहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ती है। अगर टैक्स रिजीम ऑप्शन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या आपकी कोई बैंक इंटरेस्ट या अदर सोर्सेज इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इन केसेस में तो क्या होता है कि आप अगर सपोज करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में चूज़ कर सकते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। तो ये आपको लिबर्टी होती है सैलरी वगैरह के केस में, बट बिजनेस इनकम के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हमारी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होती है ये भी बिजनेस इनकम ही मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया जाता है चेंज करने का, वो लाइफ टाइम में केवल एक ही बार दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ किया था और नेक्स्ट टाइम आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाते हैं, तो वहाँ से आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आने का मौका केवल एक बार ही दिया जाएगा लाइफ में। तो इसलिए जो सैलरीड वाले पर्सन होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अगर आप सैलरी के साथ साथ F&O भी कर लेते हैं तो आपकी ये नहीं माना जाता है कि आपकी सैलरी इनकम है, आपकी बिजनेस इनकम ही मान ली जाती है, और अकॉर्डिंगली फिर आपके जो टैक्स रिजीम को चेंज करने के ऑप्शन है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस के केस में मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ टाइम में आप एक ही बार उसको चेंज कर पाएंगे। वहीं अगर आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम होती या कोई इंटरेस्ट की इनकम होती या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती, तो उस केस में आप जो है इसको चेंज कर सकते थे। तो बिजनेस इनकम को छोड़कर हर इनकम में आपको एक लिबर्टी मिलेगी इसको चेंज करने का एवरी ईयर, बट बिजनेस इनकम जहां ऐड हो जाएगी आपकी इनकम के अंदर, तो वहां लाइफ टाइम में एक ही बार आप चेंज कर पाएंगे।
तो आगे हम कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जब आप ITR 3 को फाइल करते हैं F&O के केस में, तो वहाँ पर भी आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने ज़रूरी हैं। तो सेक्शन 44AA जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाएं और देख लें। तो टर्नओवर भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा कि टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होती है। क्योंकि आप इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं, जहाँ पर डिलीवरी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, तो वहाँ पर आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी होती है। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए, उसका वीडियो भी मैंने नीचे दे दिया है। अब क्या होता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपको एक P&L बनाना होता है। तो P&L तो जनरली जो भी आपका ब्रोकर होता है, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, जीरोधा हो, वेंचरा हो, ग्रो हो या फाइव पैसा हो, तो वहाँ से आपको ये P&L तो बन जाता है, बट बैलेंस शीट एक छोटी सी आपको बना लेनी होती है। अगर आप खुद बना सकते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। वैसे मैंने ITR 3 के ऊपर जो है डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, 2 या 3 वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। F&O के ऊपर भी मैंने जो है वीडियो बना दिया है। अब एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर मैं आपको P&L और बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है डिटेल्ड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो 1 या 2 दिन के अंदर वो वीडियो भी मैं जो है पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको जब आप ITR फाइल करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है, वहाँ पर जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, उसकी हेल्प से अपनी बैलेंस शीट वगैरह को जो है आप बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में ITR 3 को फाइल करने के लिए, तो वहाँ पे आपको P&L और बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वहीं हम बात करें अगर टैक्स ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट का भी जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 44AB होता है, और इस सेक्शन के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स ऑडिट करवाने की लिमिट होती है वो 10 करोड़ रुपीज़ होती है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, तो उस केस में फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि आप टैक्स ऑडिट करवाएं। तो वहाँ पर अपनी ITR 3 को आप खुद नहीं फाइल कर पाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल की, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, वही आपका टैक्स ऑडिट करेगा और वही आपके लिए ITR भी फाइल कर देगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, टर्नओवर की कैलकुलेशन आपको देखनी है, टैक्स ऑडिट के लिए सेक्शन 44AB देखना है, 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन देखना है, सारे ही सेक्शन मैं नीचे आपको दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, फाइल कर सकते हैं आप ITR को अंडर सेक्शन 44AD। तो जनरली क्या होता है, जब आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम ऐड हो जाती है, तो आप जनरली ITR 3 को ही फाइल करते हैं, और ITR 3 में भी आपको ऑप्शन मिलता है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। तो टर्नओवर की लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर कितनी, जैसा कि मैंने आपको बताया 25 लाख से ज़्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी पड़ती है। बट अगर आप की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी जब आपके ऊपर कंपलसरी हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, तो उस केस में फिर आप सेक्शन 44AD के अंदर जो है अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन 44AD के अंदर आप ITR तभी फाइल कर पाएंगे जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होगा। और इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं कि 44AD के अंदर ITR फाइल करने के लिए आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, और फिर कुछ और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं इस सेक्शन के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सेक्शन 44AD के अंदर आप कभी ना जाएं। आप अपनी ITR को सिंपल अगर 9 अकाउंट चूज़ करते हैं, अगर आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आप एक छोटी सी P&L और बैलेंस शीट जरूर बना लीजिए, और उसके हिसाब से ही अपनी ITR 3 को फाइल करें। तो ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सेक्शन 44AD के लिए जाएँ, क्योंकि सेक्शन 44AD के अंदर आप जाते हैं तो आपके ऊपर कंडीशन लग जाती है कि आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। अब एंड फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या होता है, जैसे इस साल तो सपोज करें आपको प्रॉफिट हो गया, अगर आपका 1 करोड़ का आपका टर्नओवर था और 6% प्रॉफिट आपको उस पर डिक्लेयर करना पड़ेगा मिनिमम, तो 6 लाख का प्रॉफिट दिखा देंगे, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट था वो 6 लाख या 6 लाख से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज करें आपको लॉस है, तो क्या फिर आप उस केस में 6% प्रॉफिट दिखा के टैक्स पे करेंगे? तो अगर आप 44AD चूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आपके लिए अगले 5 सालों तक 44AD के अंदर ITR फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आप 6% प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपको लॉस था, तो फिर उस केस में फिर आपको जो है टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो होती हैं जुड़ी होती हैं सेक्शन 44AD के साथ। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो आप जो है ITR 3 को फाइल करें और उसके अंदर एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बना लें और P&L भी बना लें। तो इसलिए आप मेंटेन कर लें बुक्स ऑफ अकाउंट को ITR 3 के अंदर जो ऑप्शन मिलता है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जब आप ITR 3 को फाइल करते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो कि आपकी ट्रेडिंग के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जैसे आप STT पे करते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं, SEBI की टर्नओवर फीस होती है, स्टैंप ड्यूटी होती है, तो वो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करवाएगा,
ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर नज़र आ जाती हैं। वहीं कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं क्योंकि ये आपका बिजनेस है दोस्तों, तो हो सकता है कि फुल टाइम बिजनेस ही आपका ये हो, तो उसके लिए हो सकता है आपने कोई रेंट पे कोई जगह ले रखी हो, कोई लड़का वगैरह आपने रखा हो ट्रेडिंग करने के लिए, इंटरनेट मोबाइल का आपने कनेक्शन लगवा रखा होगा, ट्रैवलिंग भी आप कुछ करते होंगे, कुछ बिजली का खर्चा आपका आता होगा। तो इसलिए क्योंकि ये बिजनेस इनकम है तो इसके अंदर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपके हो जाते हैं, वो भी आप अपने ITR 3 के अंदर क्लेम कर लेते हैं। और अगर मैं फाइनली बात करूं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो आप उसको हर हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, केवल सैलरी की इनकम को छोड़कर। अब सपोज करें आप, मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ही एग्जांपल ले लेता हूं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR अभी आप 31 जुलाई 2023 तक फाइल जब करेंगे, अगर आपका एफ एंड ओ से कोई लॉस है तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है उससे, सपोज करें आपको एफ एंड ओ में 1 लाख रुपये का लॉस हो जाता है और हाउस प्रॉपर्टी में आपकी 1 लाख रुपए की जो है इनकम है, तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उससे ये जो लॉस आपका एडजस्ट हो जाएगा, ओवरऑल इनकम आपकी जो है जीरो हो जाएगी। तो इसी तरीके से सैलरी इनकम को छोड़कर आपकी हर हेड ऑफ इनकम से जो है ये एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो कैपिटल गेन की इनकम हो, अदर सोर्सेज की इनकम हो, आपकी जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, तो सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट कब आता है, सपोज आप सेम ईयर में पूरा लॉस एडजस्ट ना कर पाएं तो फिर वो जो बचा हुआ लॉस है वो आप अगले 8 सालों तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप जो है इसको सेट ऑफ कर सकते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से, मीन्स नॉर्मल बिजनेस से आप उसको जो है सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर इनकम टैक्स के रूल्स। तो अभी ITR फाइलिंग का टाइम जो है चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है FNO की इनकम वहाँ दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको ITR फाइल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, आपको हेल्पफुल होगी अगर आप FNO के अंदर ITR को फाइल करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।